ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घुमारवीं कांग्रेस के द्वारा महंगाई व अन्य कई मुद्दों के ऊपर ढोल बजाओ सरकार जगाओ के नारे के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन पूर्व सीपीएम व वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्माणी के नेतृत्व में किया गया। घुमारवी कांग्रेस के द्वारा महंगाई व अन्य कई मुद्दों के ऊपर ढोल बजाओ सरकार जगाओ के नारे के ऊपर विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन पूर्व सीपीएम राजेश धर्माणी व वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्माणी के नेतृत्व में किया गया। ये विरोध प्रदर्शन कोर्ट परिसर से शुरू होकर दकड़ी चौक गांधी चौक से होकर एसडीएम कार्यालय तक किया गया। कांग्रेस ने ये विरोध प्रदर्शन औरतों से हो रही हैवानियत, कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, नशाखोरी, बैंक घोटालों, रुपए की घटती कीमत, गैर हिमाचलियों को सरकारी नौकरी, सहकारी सभा में घोटालों, स्थानीय विधायक के खास ठेकेदारों द्वारा जारी लूट, पट्टिकाएं तोड़ने व कई स्वीकृत परियोजनाओं के कार्य रोकने पर किया गया है। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के खिलाफ इस प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी भी की गई है। ये विरोध प्रदर्शन कुंभकर्णी नींद सो रही सरकार तक पहुंचाने के लिए ढोल बजाओ सरकार जगाओ के तहत प्रदर्शन किया गया है। आज घुमारवीं कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा था जो सरकार जनहित के मुद्दों के ऊपर उसका ध्यान नहीं है और हमें कह सकते हैं कि महंगाई की जब बात आती है, महंगाई को कम करने की बात आती है, रोजगार देने की बात आती है, महिलाओं पर अत्याचार की बात आती है या नशाखोरी को ख़त्म करने की बात आती है तो सरकार जो है सुप्तावस्था में चली जाती है। हमारे यहाँ पर 12 करोड़ रुपए लोगों के एक सहकारी सभा में डूब जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गलत काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने घोटाला किया, उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। घुमारवी में सिर्फ 7 लोगों की जो है वो सरकार यहाँ पे चल रही है, जिनको करोड़ों रुपए उन्होंने 2 साल के अंदर कमा लिए, लेकिन आम आदमी के बारे में कोई सरोकार जो है ना तो यहाँ के प्रतिनिधि को है ना यहाँ की सरकार को है। इसलिए जो सुप्तावस्था में सरकार है उसको जगाने के लिए आज हमने कार्यक्रम रखा था, इसका नाम रखा था ढोल बजाओ सरकार जगाओ, क्योंकि जब कुंभकर्णी नींद सोई है सरकार तो उसको जगाने के लिए ढोल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो कार्य हमारे टाइम पे यहाँ पे स्वीकृत हुए थे और जिन्होंने राजनीतिक द्वेष की वजह से उसको श्रेय लेने के चक्रों में जो है वो बंद कर रखा है, हम उस जगह पे भी जाएंगे और वहाँ पे भी ढोल बजाएंगे और सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।